रेडियो चुनार की सुर्खियों में आप सबका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच चिलकला जैसी शदीद सर्दियों का जोर जारी है और इस दौरान जहां श्रीनगर में रवा सीजन की अब तक की एक और सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई है। श्रीनगर के बटमालू इलाके में गुज़िश्ता शब आतिशबाजी के एक वाकया में कम अज कम 6 दुकानों को नुकसान पहुंचा। ISIS के दहशतगर्दाना साजिश केस में कर्नाटक और महाराष्ट्र के 40 मकामात पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तलाशी के बाद हफ्ता को महाराष्ट्र के पुणे से कल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वादी कश्मीर में दौरान शब आग की 2 अलग अलग वारदातों में जायद अज एक दर्जन दुकानों को नुकसान पहुंचा। गरमाई और दारुल हुकूमत श्रीनगर के बटमालू इलाके में आग की एक शबाना वारदात में कम से कम 6 दुकानों को नुकसान पहुंचा। करीब शमशा में श्रीनगर लद्दाख शहरा पर हफ्ते को पेश आए एक सड़क हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर जख्मी हो गए हैं। राजभवन जम्मू ने हफ्ते के रोज साबिक फौजी और महकमा सैनिक वेलफेयर जम्मू कश्मीर के अहदेदारों की मेजबानी की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शहीदों और फौजी जवानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फौज जम्मू कश्मीर में महफूज माहौल पैदा करने के लिए मिलिटेंसी से निमटने में अहम रोल अदा कर रही है। शुक्रिया।